हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ईसनी चैनल। हमारे ईसनी चैनल में आज हमारे साथ मिसेस लोकेश है, उनके हस्बैंड आए हैं मिसेस संजय। ये बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। इनको लोकेश को दोनों कानों में तकलीफ थी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 साल पहले से। मवाद आता था, दर्द होता था और सुनने में भी तकलीफ होती थी। तो जब भी हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि कोई पेशेंट आपका पहले ईसीजी ट्रीटमेंट लेके गया हुआ, तो उन्होंने हमारे को रेफर किया। हम तो सर्जरी के लिए जा रहे थे, बट वी थॉट कि एक बार हम आपसे मिल लें। तो फिर जब आए इन्होंने, मैं उनको पूरा प्रोसेस समझाया और इन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया और आज इनका एक कान बिल्कुल ठीक हो गया, राइट ईयर बिल्कुल ठीक हो गया और लेफ्ट ईयर का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है इनका। और बाकी एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करेंगे लोकेश और संजय के बारे में, अपना ट्रीटमेंट कैसा रहा। संजय, आप बताना चाहेंगे? जी, हमारा आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक था। हमने काफ़ी घूमा, घूमने के बाद में आपको हमने चैनल पे देखा, देखने के बाद में जब आपके पास आए, पहले तो मतलब ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर आए यहाँ पे, फिर काम हुआ, एक कान बिल्कुल सही हो गया, एक रह गया, उसमें भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है, एक आध महीने में वो भी सही हो गया है। और आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने जाने में? नहीं, हमें आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर हम बाकी इन लोगों से बचे। काफ़ी जो ऑपरेशन कराते हैं उसके बाद में दवा गोली इन चीज़ों से हम काफ़ी बचने के बाद में यहाँ पर, नहीं तो कोई दवा गोली का खर्चा है, बस आने जाने का टाइम लगता है, बस बाकी सब कुछ सब रेडी है। लोकेश, आपको कैसा लगा ट्रीटमेंट लेके? आपको जी बहुत अच्छा लगा, पहले से काफ़ी आराम है कान में भी और वैसे भी, एक हो गया है और एक रह गया है। सर बहुत अच्छे हैं, करने कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाए, पर हो रहा है धीरे धीरे। ऑपरेशन बोला था, काफ़ी जगह गए थे, मेरठ दिखाया था, बुलंदशहर दिखाया था, पर सर के बारे में पता लगा, आप पहले से आराम है और दवाई से काफ़ी बेटर है। अच्छा, और आप तो बाकी अपनी बहनों को और जो लेडीज हैं उनको और पेशेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? ये है कि सर बहुत अच्छे हैं, ऑपरेशन से अच्छा है, ये ECG कराएं, ये दवा इसके बारे में जाने, नॉलेज लें, बहुत अच्छा है सर का, ये हमें बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करके, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। और आई थिंक आपका दूसरा काम भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए, है ना, और नया साल आ रहा है, आई थिंक उससे पहले कोशिश करेंगे आपका काम ठीक हो जाए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, धन्यवाद। मैं तो आपको बस सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हो और एक दफा आप आगे देखें, उसके बाद में काम करें, और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, बस बाकी किसी के बहकावे में ना आए, ऑपरेशन वगैरह ये वो सब अपना ऑपरेशन, एक बार बिना ऑपरेशन के हो जाता है ये काम, सर से जरूर कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, आई थिंक आपका मैसेज भी लोगों तक पहुंच गया होगा, और किसी जरूरतमंद को जो कान की तकलीफ है वो जो सुन रहे होंगे देख रहे होंगे, डेफिनेटली वो लोग आके हमारे से कॉन्टेक्ट करेंगे एंड उनको भी फायदा पहुँचाएंगे। जी।